हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाइट्स। और मैं हूँ अंजलि। गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पहले की वीडियोस में हेयर शैम्पूस का रिव्यू करके दिखाया हुआ है, जिसमें से एक शैम्पू का मैंने रिव्यू दिखाया था, सिरे एक्सपर्ट का लिपिडियम एब्सोल्यूट रिपेयर, ये वाला, जिसमें शैम्पू और मास्क दोनों मैंने आपके साथ शेयर करे थे इनका रिव्यू। दूसरा मैंने आपके साथ शेयर किया है लॉरियल का एक्सटेंशो केयर का शैम्पू और मास्क दोनों का रिव्यू। तो काफ़ी सारे प्रोफेशनल शैम्पूज़ का मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, और आज मैं उसी में से एक और प्रोफेशनल शैम्पू आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि है वेला से। और ये मेरे पास आया है अमेजोन से इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में, और अंदर से कुछ इस तरह की पॉलीथीन के अंदर ही मेरे को रिसीव हुआ है, और इसके बारे में आपको बता दूँ। और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आया हुआ है, तो इसे मैं खोल लेती हूँ। और ये शैम्पू मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ऑलरेडी इसकी बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ, और ये मेरी सेकंड बॉटल है। सो गाइज, ये कुछ इस तरह की बॉटल है, पीच से कलर की, ऑरेंज कलर की बॉटल है ये, और यहाँ से आपको दिखाई देगा कि इन्होंने टेप लगाई हुई है ताकि प्रोडक्ट जो है लीक ना हो। सो गाइज, इतने सारे प्रोफेशनल शैम्पूज यूज़ करने के बाद मैंने स्विच ऑन किया है वेला की तरफ, क्योंकि ये जो शैम्पू है ना, ये स्पेशली बनाया गया है ड्राई और डैमेज हेयर्स के लिए। जैसे कि मेरे को ऑलरेडी 6-7 महीने हो चुके हैं अपने बालों में स्मूदनिंग कराए हुए, हेयर ट्रीटमेंट लिए हुए, तो अभी भी आपको दिख रहा हो कि मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट आपको नज़र आ रहे हैं, वो है सिर्फ इस शैम्पू की वजह से। आपकी स्ट्रेटनिंग को और स्मूदनिंग को मेंटेन करने के लिए लॉरियल के जो बाकी शैम्पूज हैं, लिपिडियम हो गया, एक्सटेंशो केयर के जो सीरीज़ हो गई वो हो गई, एक्सपर्ट सीरीज़ जो हो गई है, तो ये शैम्पू बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब अगर आपकी नई ग्रोथ आ रही है, तो उसको प्रोफेशनल शैम्पू है वो उसमें हेल्प नहीं करते हैं, तो उसमें हेल्प करेगा आपको ये वाला शैम्पू। और वेला का जो ब्रांड है, आपको पता है कि बहुत ही एक वेल नोन ब्रांड है स्पेशली हेयर्स के लिए। इसके जो शैम्पू और मास्क आते हैं, कंडीशनर्स आते हैं, बहुत ही अमेजिंग है। तो जो आपकी स्ट्रेटनिंग के बाद जो नई ग्रोथ आती है ना, उन हेयर्स को भी ये स्ट्रेट करता है इंस्टेंटली। और कई बार आपने देखा होगा कि ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके बाल ड्राई, डैमेज, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, फ्रिजीनेस आ जाती है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा ये वाला शैम्पू। एंड गाइस, इसका जो प्राइस है, ये है 620 rupees का MRP, और 250 ml में ये अवेलेबल है। और अगर मैं आपको ऑनलाइन परचेस करना हो, तो मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके आप चेक कर लेना, तो आपको ये पड़ेगा 520 या 530 rupees का। सो गाइज, अभी फिलहाल मैंने सिर्फ शैम्पू इसका मंगवाया हुआ है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मास्क वगैरह पहले के भी पड़े हुए हैं, तो मैं वही मास्क यूज़ कर रही हूँ, और जब इसका मैं मास्क मंगा लूँगी तो उसका भी रिव्यू शेयर करूँगी। सो गाइज, जो ये वाला शैम्पू है, ये आपके बालों को डीप न्यूरिश करता है, और आपके बालों में जितनी भी ड्राइनेस या रफनेस होती है, फ्रिजीनेस होती है, उसको दूर करता है। और पहले ही 2-3 वॉश में आपको अपनी स्ट्रेट हेयर दिखाई देंगे, स्मूथ हेयर दिखाई देंगे, और सिल्की और शाइनी भी आपके हेयर्स को बनाएगा। तो ये डीपली न्यूरिश करता है, और स्काल्प के साथ साथ आपने पूरे बालों में इसको लगाना है। जैसे नॉर्मल शैम्पू आप करते हैं, तो प्रोफेशनल शैम्पूज में ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम उसको स्काल्प पे लगाते हैं तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो लेकिन इस वाले शैम्पू में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने डीपली इसको अच्छे से अपने बालों में लगाना है, चाहे स्काल्प हो, चाहे हेयर हो, टॉप टू बॉटम और टिप टू रूट्स, पूरा आपने इसको अच्छे से लगा के 4-5 मिनट छोड़ देना है, उसके बाद आपने इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। साथ में कोई प्रोफेशनल, अगर मास्क आपके पास नहीं है, तो कोई सा भी अच्छा सा कंडीशनर साथ में लगा सकते हैं। उसके बाद आपको बालों को हल्का सा टॉवल ड्राई करके आपने सीरम अप्लाई कर देना है। सो गाइस, जो ये वाला शैम्पू है, इसमें ये बनाया गया है स्पेशली रफ़ एंड ड्राई हेयर्स के लिए। अगर आपके बाल ड्राई हैं, डैमेज हैं, रफ़ हैं, फ्रिजीनेस काफ़ी ज़्यादा है, और बालों में कोई शाइन नहीं है, और अगर केमिकल ट्रीटेड हेयर है, तो उसके लिए भी ये वाला शैम्पू बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने अपने बालों में कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया हुआ है, फिर भी आपके बाल ड्राई, डैमेज हो गए हैं, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम अगर आपको आ गई है, तो उसके लिए वेला का जो ये वाला शैम्पू है, ऑरेंज कलर का वेला प्रोफेशनल का न्यूट्री एंड रिच विद गोजी बेयर का जो डीप न्यूरिशिंग शैम्पू है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके हेयर्स के लिए। सो गाइस, इसको आप एक बार ट्राई कर लेना, इस प्रोडक्ट का जो लिंक है मैं शेयर कर दूंगी। और ये शैम्पू बहुत ही अच्छा है, इसकी जो स्मेल है ना, बहुत अमेजिंग है, और बहुत अच्छे से फॉर्म बन जाता है आपके बालों में, और आपके बाल पहले से सेकेंड वॉश में ही आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। बहुत स्ट्रेट रखेगा आपके बालों को, स्मूथ रखेगा, सिल्की और शाइनी भी बनाएगा। तो गाइस, ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, इसका जो रिजल्ट है बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है, आपके बालों को इंस्टेंटली स्ट्रेट करता है, स्मूथ करता है, शाइनी और सिल्की बनाता है, रफनेस ड्राइनेस को दूर करता है। और बस आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो और रिव्यू अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।